हे हेलो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डार्क लोग गेमर्स। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एपिसोड नंबर 9। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में करी थी डिजाइन माइनक्राफ्ट के अंदर की डिजाइन, जो आपने देखी होगी वो वीडियो तो आपकी देखी होगी। अब हम करने वाले अल्ट्रा जेंट फूड फार्म, जो हमें देखे अनलिमिटेड कैरेट्स और पोटैटोस। तो वही फार्म बनवाने के लिए हमें विलेजर्स वगैरह लगेंगे, और विलेजर्स हमने विलेज वैसे भी क्लीन कर दिया है, तो वहाँ हमें दो विलेजर ला के रखे है। देख सकते हो यार रखे हुए कैसे नल्ले दिख रहे दोनों के दोनों। अच्छा, ये दोनों विलेजर्स लाके रखे थे। अभी ऊपर मत निकल जाए, ऊपर 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 ऊपर, अंदर जा अंदर जा अंदर जा, गया। बस अब पहले पूरा विलेज निकालने के बाद हमारे पास ये दो विलेज हम आके लाके रखे थे विलेजर्स को, क्योंकि टेंशन होती है भाई बाद में इतने दूर से कौन लाते रहेगा। तो देख लो आप ये डिज़ाइन देख लो, पहले आप आपको मैं इस डिज़ाइन का टूर भी देता हूँ। तो ये हम यहाँ से वाटर से ऊपर चलते हैं, वाटर से ऊपर जाने की ये रास्ता अपना, आगे स्टेयर्स है, कॉर्ड्स की स्टेयर्स जो हमें लेके जाती है सीधे कासल की टेरिस पर। देख सकते हो एकदम गैप के बीच में दोनों टावर के। यहाँ पे सनसेट भी बहुत बढ़िया दिखता है। और देख सकते हो अब आगे भी इस साइड में हम बनवाने वाले विलेजर का हाउस, विलेजर हाउस देख सकते हो आगे ऊपर। ये पूरा हमने एक लाइन में कराया, और यहाँ पे ग्लोस्टोन लगा दिए क्योंकि यहाँ पे जॉम्बी स्पॉन ना होने चाहिए इसलिए। और नीचे क्रिम्सन प्लैंक्स लगा दिए, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक देते हैं। और सामने जो हमने लगाए स्टेयर्स, वहाँ पे भी क्रिम्सन के स्टेयर्स लगाए, क्रिम्सन प्लैंक्स के स्टेयर्स। तो चलो ऊपर चल के आपको ऊपर का भी लुक दिखा देते हैं। यहाँ से हमने लगाए ये स्टेयर्स कॉर्ड्स की। और दोस्तों ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। और देख लो भाई बहुत बड़े, यहाँ से भी उतरते देख सकते हो, फिर से ऊपर चल के वहाँ भी एक स्टेयर्स इधर से उतरते नीचे, और नीचे हमने लैक्टम भी लगाए रखे हैं। चलो उतर गए नीचे। और ये देखो अपनी वॉल की डिजाइन, ये तो बहुत पहले आ चुकी है वीडियो MLG। ओ भाई लग गई, मजा आया। ऐसी MLG लगनी चाहिए तो बात बनती है। फूड का के SP भी फूल हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो हमें ऑटोमेटिक अल्ट्रा जाइंट, ऑटोमेटिक जाइंट फूड फार्म बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जैसे कि ग्लास, पोटैटो, कैरेट्स और कंपोस्टर, बेड, ग्लोस्टोन, डर्ट, ये सब कुछ हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हमें ग्लास भी चाहिए होंगे, क्योंकि ग्लास आउटर लेयर के लिए। तो हमारे पास सैंड होगी, तो सैंड हम फर्नेस में डाल देंगे। तो ग्लास तो हमारे पास पड़ी नहीं है, क्योंकि हमने सारे ग्लास के प्लेन्स बना लिए, वो भी गलती से बन गए बहुत सारे, और यूज़ किधर भी नहीं होंगे, अब वो ऐसे ही वेस्ट जाएंगे, उसे फेंकेंगे नहीं बाद में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सारे सैंडस्टोन है, एक भी सैंड नहीं है। सैंडस्टोन इसे स्मेल्ट करके मेरे हिसाब से स्मूथ सैंड बनती है। हाँ, स्मूथ सैंडस्टोन बनते हैं और उससे कट सैंडस्टोन बनते हैं भाई साहब। कुछ भी सैंड हमारे पास नहीं है, वो है डायमंड, लैपिस लजूली वगैरह कुछ भी नहीं। तो दोस्तों हमें सैंड कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, और जितने हम सैंड उतनी यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें देखते, इसमें नेदर ब्रिक्स रखे थे, जब हमें क्रिम्सन प्लैंक की जगह लगाने थे ना, वो नेदर ब्रिक्स रखे थे, पर क्या करें वो क्रिम्सन प्लैंक ही हमने वहाँ पर लगा दिए, नेदर ब्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इतने अच्छे लुक नहीं दे रहे थे। अब ये वेस्ट होंगी इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं और चेस्ट में रखवा देते हैं। 64 के दो स्टैक हो रहे हैं, 49 का था। यहाँ से ग्लास बनना शुरू हो चुके हैं, देख सकते हो आप, दो ग्लास बन चुके हैं, हमने कलेक्ट कर दिए। यहाँ पे सारी की तरफ हमें ग्लास पेन से, और यहाँ पे और कुछ हमने रखा हुआ है, तो ये शेवल वगैरह भी होगी तो निकाल लेंगे, कुछ ग्लासेस निकाल लेंगे, और बकेट्स वगैरह है हमारे पास, वाटर की कोई टेंशन नहीं, अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बना लेंगे, और बहुत कुछ देख लेते। जैसे कि फिर से दो ग्लास 64 के आ चुके हमारे पास, दो तीन स्टैक है, तो हम उससे भी लेआउट बना लेंगे। पहले हम और भी देख लेते हैं क्या हमें क्या बनवाना है। तो पहले शेवल बनवा लेते हैं, क्योंकि हमें डर्ट क्लीन करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तीन शेवल बनवा ली है पूरी तरीके से। अब ये सैंड ऊपर रखवा के हमें शेवल बना लेनी है। तो भाई तीन शेवल बना लिए, सामने मस्त है कि आयरन गोलम खड़ा है, और आयरन गोलम के आगे जॉम्बी क्या, नहीं अंडरमैन है, अंडरमैन आयरन गोलम के आगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से तीन शेवल भी कलेक्ट कर लिए और कुछ ग्लास। तो पहले हम चलते हैं सैंड कलेक्ट करने के लिए, ढेर सारी सैंड निकाल के हम ढेर सारी सैंड कलेक्ट करके, और साथ ही साथ में स्टोन जितने मिलेंगे वो भी कलेक्ट कर लेंगे, और उसे स्मेल्टिंग के लिए रखवा देंगे। उसके बाद हम लेआउट की तैयारी करेंगे, लेआउट बनाने की शुरुआत करेंगे। तो भाई चलते हैं सैंड कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ सारे सैंडस्टोन है, हमें आगे ही सैंड मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा क्लीन करने के लिए सैंड लगवाते तो बहुत देर लग जाती है, इसलिए हमने ना दोस्तों सैंडस्टोन लगवा दिए।
अब देखो यहाँ से हम सैंड कलेक्ट करने के लिए लग जाते हैं, और आप तब तक फास्ट लूप एंजॉय कीजिए। दोस्तों हमने ढेर सारी सैंड कलेक्ट कर ली, और सैंड कलेक्ट करते करते हमें रात हो गई। और ये नल्ला कहाँ से आ टपका? बाजू हटे यार, ये पहले फायर एस्केप मुझे ही जलाती है, बाद में वो जलता है। आयरन देके गया क्या साला? आयरन देके गया। और भाई मैं आपको बता रहा था कि हमने और सैंड हम कलेक्ट कर लेते, और आपको बता दूं कि ये पूरा हमने एरिया जो क्लीन करा है ना, उसके लिए हमें 3 आवर्स लग चुके थे, 3 घंटे। इतने पूरे टाइम में हमने उसे क्लीन करके वहाँ पे सैंडस्टोन लगाए, बहुत मेहनत लगी थी भाई, पूरा आजू बाजू का क्लीन कर दिया। और इधर ही हम बनाएंगे, इसके आगे ही हम बनाने वाले हैं अपना अल्ट्रा जेंट ऑटोमेटिक फूड फार्म। दोनों साइड बनाएंगे, वीडियो में एक ही बार दिखाएंगे, बाद में हम उसे बना लेंगे, आप वीडियो देख ही लीजिएगा। और भाई मतलब कि उस फूड फार्म से हमें मतलब जिंदगी भर के लिए फूड की टेंशन मिट जाएंगी। सीधा स्मेल्ट तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, हमने ढेर सारे स्टोन भी कलेक्ट कर लिए। और मैं आपको बता रहा था कि इस फार्म से हम स्मेल्टर बनाएंगे, और हमें ऑटोमेटिक पोटैटो के जैकेट पोटैटो मिलते रहेंगे, जो कि मैक्सिमम 3 हर्ट तक अपनी एचपी बढ़ा देता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फूड है खाने के लिए। तो भाई सो के हम उठ चुके हैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, चलो अब चलते हैं काम की तरफ। फिर से उल्टा आया, ऊपर जाके वहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट है, वहाँ से एंट्री है, ऐसा हमने बनाया। पर क्या यार गलत हो जाता है हर तरफ। अब एक काम करते हैं, हम सारी सैंड और सारे जो स्टोन है उस स्मेल्टिंग के लिए फर्नेस में डाल देते हैं, उसे स्मेल्ट कर देंगे। और वहाँ जो हमने बहुत मेहनत करके जो एरिया क्लीन करा था, तो वहाँ पे हम वो लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे पास सारे ग्लास प्लेन से, पर हमारे पास ग्लास नहीं, इसलिए हमें ग्लास डालने पड़ेंगे। और ये सारे नेदरक जो हमें इतने सारे कलेक्ट करके लेके आया था, इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे सैंड डालना शुरू कर देते हैं। ढेर सारी सैंड के कम से कम 2 से या 3 स्टैक हम कलेक्ट करके लेके आ चुके हैं, यहाँ पे सैंड स्टोन डाल दिया। और अब हमारे पास जो मतलब कि अपने पास जो ये पड़ा है ग्लास, उससे अब हम बनाएंगे एक अच्छा सा लेआउट। तो चलो चलते हैं, लेआउट आपको बता देंगे हम कैसे बनाना है। सारे ग्लास वगैरह इंपॉर्टेंट जो सामान है वो नीचे लेके आते हैं। और क्या रह गया भाई सब, मुझे मेरे हिसाब से स्टोन डालने की रहेगी। कहाँ गए ये स्टोन्स? हाँ यही हुआ था, स्टोन्स डाल देते पहले, डाल दिए बस। और भी अभी भी डालने के? नहीं कुछ नहीं, हो गया भाई, अब काम हो गया। अब हम एक काम करें कि पहले ग्लास से पूरा लेआउट बना लेते हैं। लेआउट बनाने के बाद आपको दिख जाएगा कि हमने किस तरह से किस तरीके से डिज़ाइन करी है, और हम उसे ऊपर लेके जाएंगे 3-3 लेयर तक। आप वीडियो देख ही लोगे, आप वीडियो देख ही लो, पूरी वीडियो देखना। तो चलो बढ़ते हैं फूड खा के अपने लेआउट की डिज़ाइन की तरफ। और वो जो 2 सैंड दिख रहे हैं आपको, उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर हम एग्जैक्टली बनाना शुरू करते हैं अपना फार्म, फूड फार्म। तो गाइस पहले ये 3 जो है उसे तोड़ देते हैं, और फिर यहाँ लेआउट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हम लेआउट करते हैं, तो दोस्तों हमने ग्लास का लेआउट पूरी तरह से बना चुका है। और अब हम डर्ट लेने के लिए आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई पूरा सैंड है, पूरा डेजर्ट है, वहाँ तो पानी भी नहीं मिलता बिल्कुल भी।
गाइस हम आ चुके हैं विलेज की तरफ। ढेर सारी डर्ट हमने कलेक्ट कर ली है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट पे डर्ट तो मिलती नहीं, इसलिए हम यहाँ से डर्ट कलेक्ट कर चुके हैं। और यहाँ चलते चलते कुछ ग्रास ब्लॉक्स भी तोड़ देते, मतलब ग्रास तोड़ देते ताकि हमें सीड्स मिलती रहे, जिससे कि हमें वहाँ पे वीट लगानी है। अब वीट ग्रो होती है नहीं ये मुझे पता नहीं, पर हम वीट लगा देते हैं एक आध बार में ट्राई करने से। क्या मुझे लगता तो नहीं कि वीट ग्रो होती होगी, पर तभी भी मतलब ग्रो तो होती, पर वो विलेजर ला के देते या नहीं, उसका फार्म बनता या नहीं हमें नहीं पता, पर करके देखते हैं, बन गया तो अच्छी बात है। तो दोस्तों हम अपने वुडन हाउस की तरफ आ चुके हैं और हमने ढेर सारी कलेक्ट कर ली है। अभी तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, हमने ढेर सारी वीट कलेक्ट कर ली है। अब हमारे पास 13 पोटैटो है, हमने इसे यहाँ पे प्लांट कर देते ताकि जब हमें वो पोटैटो लगाने हो तो ये ग्रो हो जाएंगे, या इस पे बोन मिल मार के हम इसे ग्रो कर लेंगे और फिर 64 या 64 के दो तीन स्टैक से हमारा काम बन जाएगा। तो और फिर से उगेंगे तो फिर से ग्रो करके हम वहाँ पे लगा देंगे। तो भाई अपने हम ग्रो कर लिया है, अब हम यहाँ पे बोन मिल और कुछ ब्रेड्स बना लेते हैं अपने खाने के लिए। वैसे भी ब्रेड्स की कमी पड़ी हुई है, तो हम पहले बोन ब्लॉक होगा या फिर बोन मिल होगी वो भी निकाल लेते हैं, ब्रेड्स तो। तो दोस्तों हम हाउस में आ चुके हैं और यहाँ से हमने होए उठा लिए, जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे, जो हमारी पहले से वीडियो देख रहे जाट जी जी की, उन्हें पता होगा कि हमें डेजर्ट टेम्पल में मिली थी होए, मिली थी वो, हम यहाँ से टूट गई तो टूट गई, हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे। हमने बेड उठा लिया, अब हम चलते हैं अपने कासल की तरफ। तो गाइज हम विलेज में सोए थे क्योंकि रात हो चुकी थी और ज़ॉम्बीज मार रहे थे, इसलिए हम विलेज में सो के उठे, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हमारी फार्म की तरफ और वहाँ पे हम अपना फार्म, मतलब कासर की तरफ, वहाँ पे हम अपना फार्म बनाना शुरू कर देते। तो गाइज चलो चलते हैं फार्म की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप सब लोग देख सकते हो कि जैसे हमने लेआउट पूरी तरीके से बिल्ड कर लिया है, मतलब बना लिया है। तो दोस्तों सो स्टार्ट करते हैं अपना बिल्ड करने के लिए। और पिकैक्स तो देख ही सकते हो भाई, एक साथ दो दो तीन तीन दस दस तोड़ेगी, इतना ज़्यादा काम करते भाई। देख लो ये सारे ब्लॉक्स हमें तोड़ने, और यहाँ पे सारे तरफ दर्द लगा के हमें वहाँ से हो कर देनी, उसे होए कर देनी, होए से होए कर देनी, क्या बोलते क्या पता उसे। तो चलो पहले हम ये सारे के सारे जो सैंडस्टोन है उसे पहले तोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में हम डर्ट लगा लेंगे। तो दोस्तों तब तक आप देख लीजिए वीडियो, मिलता हूँ आपको ये सब काम होने के बाद। तो दोस्तों सारी तरफ हमने डर्ट का जो काम है वो कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे वन लिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं। उसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और जगह जगह पे जहाँ पे हमने गड्ढे भरे वहाँ पे वो डाल देंगे, पहले नीचे उतर के वाटर कलेक्ट करके यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे सामने बनाने वाले। तो गाइस हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है, अब जहाँ जहाँ पे हमने वोल करे वहाँ पे हम, मतलब जो गड्ढा करा है वहाँ पे हम डाल देते वाटर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं क्राफ्टिंग टेबल पे, तो यहाँ पे हमें अपनी एक बोर्ड बना लेते हैं जहाँ से कि हम विलेज चर्च को आ सके, मतलब कि दो बना लेते हैं। तो दो बन गए, एक पे एक नहीं बचती वो बाजू बाजू, तो वही दो बोर्ड बना लिए हैं। अब यहाँ से हमने हो भी कर दी, अब यहाँ पे हम वीट सीड्स डालना शुरू कर देते हैं जहाँ से कि वीट बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और हमने सारी तरफ वाटर डाल दिए, अब सीड डाल देते हैं और मिलते हैं दो मिनट बाद। Much, much, much later. तो दोस्तों हमने बाजू का जैसे लेआउट था वैसे ही यहाँ बना दिया है, अब हम एक काम करते हैं इसे दो ब्लॉक ऊपर की तरह लेके चलते हैं।
और ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पे भी हमें सीड्स लगा देनी है ताकि वो ग्रो हो सके और वीट हमें जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे मार चुके और हमने यहाँ पे कंपोस्टर कलेक्ट कर लिया, जैसे कि ये कर लेते और एक दो और कर लेंगे, ये भी हमने कंपोस्टर कलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद हम आ चुके अपने उड़न हाउस पर। तो उड़न हाउस पर आने के बाद पहले हमें कुछ बोन मिल या फिर कुछ सामान लगने वाला है वो ले लेते हैं, जैसे कि हमें लगेंगे ढेर सारी ब्रेड्स। यहाँ पे बहुत सारी ब्रेड्स पड़ी हुई है, हाँ बहुत सारी ब्रेड्स है, और हमें बोन ब्लॉक्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं जिससे हम बोन मिल बना लेते हैं, और जो रखे हुए जो पोटैटो है ना उसे पहले ग्रो कर लेते हैं बोन मिल लगा के। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो 64 के 4 हमारे पास स्टैक हो चुके हैं बोन मिल के। अब चलते हैं पीछे की तरफ और वहाँ पे हम बोन मिल मारना शुरू कर देते हैं और पोटैटो को जल्दी से ग्रो करके हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम उसे लगा देंगे। तो भाई वो मिल जाएगा पूरा अपना अक्षय कुमार भाई की तरह एक का डबल की स्कीम। चलो एक का डबल नहीं, यहाँ पे एक का टिबल हो जाएगा, डबल टिबल, 4 भी हो सकते हैं। तो बोन मिल मारना शुरू कर देते, 2 बोन मिल से हमें 4 पोटैटो मिलते, बहुत ही बड़ा फायदा, फायदे वाला सौदा है भाई ये। तो ये उग चुके, अब यहाँ से हम फिर से कलेक्ट कर लेते और भाई आपको मिलते सब होने के बाद। तो भाई हमने ढेर सारे पोटैटो कलेक्ट कर लिए, तो चलते भाई अब जो हमारे पास पोटैटो बचे हैं वो अब यहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। इन बाकी की जो जगह है वहाँ पे भी हमें हो लगा कि वहाँ पे मतलब उन्हें भी गिली डट में बदलना पड़ेगा, ये हो गया। तो भाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारी तरफ पोटैटो लगा दिए, अभी हम यहाँ पे फार्मर के लिए सेटअप कर देते हैं, जो कि हमें पोटैटो कलेक्ट करके वहाँ पे वो कौन फ्लिटिंग टेबल वाला कौन होता है उसकी तरफ फेंकेगा और थ्रो के हॉपर की तरफ से हमारे पास आ जाएंगे। और उसी फार्मर के लिए अब हम यहाँ पे बनाने वाले सेटअप, 3 ब्लॉक का ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ग्लोस्टोन लगाना है और फिर से वो ब्लॉक तोड़ के हमें यहाँ पे पहले हम बेड लगा देते, नहीं तो पहले चलो पहले बेड लगा देते। तो हमारे पास एक बेड है कुछ ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का, तो ब्लू का यहाँ पे लगा दिया। अब इसे तोड़ के हमें एक कंपोस्टर भी लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, हाँ कंपोस्टर के सिवा करता नहीं काम ये। और यहाँ पे फिर से पोटैटो लगा देते, इसे तोड़ देते और वो ये तीनों डर्ट तोड़ के हमने कलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप पोटैटो फिल कर देते दोनों तरफ से और यहाँ पे कंपोस्टर लगा देते। कहाँ गए कंपोस्टर, ये रहे 3 कंपोस्टर है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक कंपोस्टर लगा दिया फिर से, भाई यार लगा दो फिर से। तो भाई दूसरी तरफ भी ऐसे ही करते, मिलते आपको 2 मिनट में। हमें ऊपर के फ्लोर बनाने के लिए स्टोन लगने वाले हैं, तो इसीलिए हम चलते हैं फर्नेस में डाले हुए स्टोन कलेक्ट करने। तो दोस्तों आ चुके हम यहाँ पे और यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं ढेर सारे स्टोन, जो कि हमने कैबल स्टोन से स्टोन बनते हैं स्मेल्टिंग से। तो हमने ढेर सारे स्टोन कलेक्ट कर लिया, अब हम इन्हें स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। बन गए स्टोन ब्रिक्स के 2 स्टैक्स बन गए मेरे हिसाब से, 2 या 3 स्टैक इसे लेके चलते हैं और ऊपर का फ्लोर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो विलेजर्स भी लाएंगे भाई, वो भी लेके आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई देखो इसका सिर देखो, गोल 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 गोल। ब्रेड ले ली भाई, ब्रेड खा लेते और जो अंगर भूखे मतलब अंगर बार से उसे बढ़ा लेते अंगर बार्स। और वहाँ पे देखो भाई एक आयरन गोलम जो है वो टहल रहा है अपने कासल में, टहल रहा है, इसे फील कर देते।
गाइस यहाँ पे हमने विलेजर डाल दिए, अब हमें जो सामान कलेक्ट करने जाना है वो सामान कलेक्ट करके आते हैं। तो भाई लोग अब हम यहाँ से क्राफ्ट करते हैं कुछ माइनकार्ट विथ हॉपर, फ्लिटिंग टेबल, रेल्स और ट्रैपडोर। और हाँ, फ्लिटिंग टेबल फ्लिंट एंड फोर प्लैंक से बनते हैं, इसलिए वो बहुत सारे हमें बनाने पड़ेंगे। ये हमें विलेजर्स को उनकी जॉब देने के लिए काम आएंगे, उनको हम इससे जॉब दे सकते हैं ताकि जब भी फार्मर पोटैटो लाए और वो फ्लिटिंग टेबल वाला जो विलेजर है उसके पास पोटैटो थ्रो करे तो हॉपर की तरह वो चेस्ट में जाए, वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें वो लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक मिनट बाद ये सब कुछ क्राफ्ट करके। सो गाइस हमें विलेजर्स के लिए यहाँ पे कुछ सेटअप्स करना है, तो पहले हमें नीचे का सैंडस्टोन ब्लॉक तोड़ देना है, यहाँ पे चेस लगा के उसके ऊपर हॉपर लगा देनी है और उस पर रेल रख के उस पर माइनकार्ट विथ हॉपर रख देनी है, और बाद में वो नीचे की रेल तोड़ के ऊपर ब्लॉक लगा के उसके ऊपर फिर से रेल डाल के माइनकार्ट विथ हॉपर रख दीजिए और वो बीच का जो ब्लॉक होगा उसे कट कर दीजिए, मतलब माइनकार्ट विथ हॉपर के ऊपर वो रेल प्लस माइनकार्ट विथ हॉपर आ जाएगी और ऊपर से ट्रैपडोर लगा दीजिए और अच्छे तरीके से विलेजर्स को उसके बाजू में आके सारी तरफ से ब्लॉक कर दीजिए और वहाँ पे उसे रख दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए और बाजू में फ्लिटिंग टेबल रख दीजिए, जैसे ही वो जॉब ले लेगा वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही सेटअप हमें टोटल 12 साइड्स में कर देने हैं, तो भाई इसे बनाने के लिए बहुत लगने वाली है। तो मैं आपको मिलता हूँ ये सब कुछ काम होने के बाद, तब तक आप फास्ट लूप एंजॉय कीजिएगा। Much, much, much later. तो भाई आखिरी में इतना सब कुछ होने के बाद ये सारा काम हमारा खत्म हो चुका है। भाई साहब इन विलेजरों ने ना बहुत ज्यादा वाट लगाई, मैं इनसे बदला लेके रहूंगा, पर भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये पूरा फार्म एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है। बहुत थक चुके यार, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और आप देख सकते हो कि आजू बाजू में जो ग्लास लगाए वो लुक कितनी बढ़िया दे रहे हैं, और उसमें जो हमने पोटैटोज लगाए हैं, कैरेट्स लगाए हैं और कुछ जगह पे मेलन्स भी लगा के रखे हमने, ऊपर की तरफ मेलन्स लगा के रखे। तो भाई वो आते हैं या क्राफ्ट होते, मतलब ये कलेक्ट होते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, पर हम देख लेते हैं एक बार ही, कलेक्ट होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ जो फार्म बनाया है वैसा ही बाजू में बनाएंगे, इधर से कैरेट और उधर से पोटैटोज, ऐसा इसका सेटअप होगा, और भाई हम स्मेल्टिंग सिस्टम बनाएंगे और जो पोटैटोज है वो जैकेट पोटैटो में अपने आप आते रहेंगे और हमें सिर्फ वहाँ से उठा के खाना है। तो भाई ये जो फूड फार्म है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है और बहुत ही ज़्यादा फूड हमें दे देता है, पर हावर समझ लीजिए 2000 तक की पोटैटोज हमें ये दे गया। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।